हे माय क्रेवर्स, सो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, वो भी फर्स्ट टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्याज लिया है बड़ी, एक टमाटर लिया है बड़ा, थोड़ा सा हरा धनिया और पनीर ऑफ कोर्स। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए पैन का, फिर उसके अंदर आपको जीरा डालना है, थोड़ा सा प्याज डाल देनी है उसके अंदर, और जब तक वो ब्राउन होए उसको अच्छे से चलाते रहना है। उसके बाद जो टमाटर कट किए थे छोटे छोटे उसको डाल देना है। मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच नमक डाला है, अच्छे से कुक हो जाए हमारी प्याज और टमाटर। उसके बाद जो मैं मसाले डालूंगी, आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला था, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली थी, और देगी मिर्च डाली है आधी मिर्च आधी चम्मच, क्योंकि अच्छा कलर आना चाहिए, और आधी चम्मच हल्दी डाली है मैंने। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स कुक हो जाएँ, टमाटर अच्छे से गल जाएँ, प्याज अच्छे से गल जाएँ। और फिर मैंने पनीर लिया था उसको अच्छे से क्रश करके डाल दिया और मिक्स करिए, ऊपर से धनिया की गार्निशिंग करिए, ताज़ा ताज़ा हरा धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, ज़रूर ट्राई करना है इसका, मुझे बताना कैसी लगी आप लोगों को। मैंने खाई थे परांठी के साथ इसको। बाय बाय।